और सब पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और टॉपिक है मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन के ऊपर। वेल, सीन ये है कि ईरान पर जो है ना इसराइल और अमेरिका का ये जा रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं कोई मैसिव अटैक करने का। अब प्रॉब्लम क्या है कि शायद उस प्लान का कुछ हिस्सा हो गया था लीक, लीक इन अ सेंस के ईरान के जो न्यूक्लियर पार्ट्स हैं या कैपेबिलिटी है उसके ऊपर अटैक करने का प्लान था इसराइल का। और वो जब लीक हुआ तो दरअसल बात है ईरान ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और इसराइल ने एक फौजी और 8-10 लोगों को अरेस्ट भी किए। बाहर इसी से रिलेटेड वीडियो है कि इसराइल और अमेरिका की तैयारी देख फिजा पाकिस्तान से फरार। वेल, फिजा कहीं गई तो नहीं है, मेरी ये जस्ट कहने की बात है। तो देखते हैं 3-2-1 ये। अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू सुनते जाइए ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी में मसरूफ हैं। और नहीं तो क्या, और यह हमला तो वो करेगा, बदला लिए बगैर कहां बैठेगा। सब मुसलमान इसराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं। कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा। वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक खुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नजरियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। 2000 मिसाइल हो या अटैक तो सिंबॉलिक था ना जी, बिल्कुल। क्या नुकसान हुआ? हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन इसराइल का बहुत बड़ा फायदा हो गया यार। कैसे? इसराइल और अमेरिका बहाना ढूंढ रहे थे ईरान को कूटने का, मिल गया। जरा बारी बारी से आने दो। लेकिन ये है कि ये जंग अगर ईरान तक आए तो फिर इसराइल अगर ईरान पर हमला करते मसला हो जाएगा, तो क्या उम्मीद रखें? वो फौज जो दुनिया की नंबर वन आर्मी है। मैं कब हो गया ये? मारीना पाकिस्तान की कड़ी फौज है, वो नंबर वन है। अरे 7 या 8 पे आती है शायद। जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ा मुल्क है। हमारे मुसलमान भाई, अच्छा, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, वो एटम बम है। मतलब फटेंगे। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ता नशा अगर कोई करता है तो लाल टॉफी। तो आप तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं। अच्छा। हम भी एटम बम है। पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में शामिल है। हमारी इंटरनल अजीबो गरीब हम जो है ना वो इसको बिलेटर करते रहते हैं। हमारा मुल्क दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी मुल्क हमारी फौज है और इसी तरह से हम एकेडमी पावर हैं। बड़े मुल्कों, एटमी मुल्कों और फिलिस्तीन के लोगों की फिक्र भी है, तो जाके एक बार फटो ना भाई। नहीं, 6ठी का दूध याद दिला दे इजराइल तुम्हारे को तो बोलना। वाह भाई वाह। सब इख्तलाफात भुलाकर क्या तमाम मुस्लिम उम्मा उम्मा और मुस्लिम ममालिक जिनके लिए हम हर वक्त पेट पे लेटे रहते हैं, इफ देयर इज सम, मतलब उम्मा बन जाएंगे, उम्मा बन जाएंगे, अभी तो नहीं है कोई उम्मा। उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू, उम्मा 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 गुटड़ूगू, उम्मा 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 गुटड़ूगू, उम्मा उम्मा उम्मा, ये जस्ट एक स्लैंग है, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू। इन एक्चुअल मुसलमान बिखरे हुए हैं, उम्मा तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे का गला काटने में। कौन सा इसराइली कमांडर मारा गया, कौन सी बिल्डिंग तबाह हुई, कौन सा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हुआ, कुछ भी नहीं। इतने मिसाइल छोड़े थे ईरान ने। या फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, इसराइल को धमकी दें, बेशक उसको जाके अगर हिट मारना पड़े जैसे हमने पहले मार के गिराया था, करें जाके। औकात याद करवाऊं? करवा दे भाई, करवा दे। इन पाकिस्तानियों को समय समय पे औकात याद करवाते रहना चाहिए। इतनी बड़ी कॉज जो है उसके खिलाफ इसराइल अमरीका और अपने हवारियों की सपोर्ट के साथ एक पूरी कौम को खत्म करने के दरपे है, लेकिन हमारी मुस्लिम क्यादत जो है वो किस बेहिसी की नींद सोई हुई, ये मातम और ये नोहा तो हम पढ़ते रहेंगे जब तक हमारी जान है। मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। इंडिया के साथ हमारे फैट होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे हुए। बॉम्ब बांध के आ गए सबके सामने, हम तो बंदा उड़ा देना चाहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा, लफ्जों से वो जो तालीम की खुशबू है ना वो नहीं आ रही, वो आनी चाहिए। जाकर रजा के अंदर सप्लाईज ड्रॉप करें, आप नेवल शिप भेजें, हाँ बैटल शिप भेजें, देखें किसका बाप रोकता है तो बताएं।
तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा ले, नेटो वहां खड़ा हुआ है वो, उसको न्यूक्लियर कवर दे बेशक, हम 6 साल तक हम जाएंगे क्या 20 लाख मुसलमानों को ज़िबा होते देख ले। हां भाई हां, लेकिन इससे हमें एटम बम का क्या फायदा हो रहा है? क्या उसकी वजह से इसराइल हमसे डर रहा है कि भाई नहीं, हम तो बिजली तक नहीं बना रहे, जंग नहीं करनी वरना पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा। अभी क्या बोलें, देखें बात सीधी सी है कि इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर आप देखें इसराइल को बैकिंग है अमेरिका की या नेटो की, दूसरी तरफ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया से, तो ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना, अमेरिका हो गया रशिया हो गया, ये अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के सामने आ रही हैं। फिर रशिया का इटसेल्फ एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में, अब कहा जा सकता था कि ये दो कंट्रीज़ का है लेकिन यूक्रेन को पूरी बैकिंग मिल रही है नेटो की, और रशिया को भी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कि ईस्टर्न यूक्रेन में जो है ना वो नॉर्थ कोरिया उनका जो है वो फ्लैग नज़र आया है रशियन फ्लैग के साथ माउंट हुआ। तो ग्लोबली इतना कुछ चल रहा है कि समझ में नहीं आती क्या बनेगा। अगर हम इसी कन्फ्लिक्ट की बात करें इसराइल और ईरान की, तो अभी तक जितने भी इसराइल पे मिसाइल ब्राजेस जा रही थी वो अनऑफिशियली थी, मतलब आप कह लें हम मास करता था या फिर हौसी बागी करते थे या फिर जो है ना उधर से जो हसन नसरुल्ला की जमात है वो करती थी हिजबुल्ला, ईरान डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसराइल ने ईरान में अटैक कैरी आउट किया तो इस वजह से ईरान ने भी अटैक कैरी आउट किया और एक बहाना मिल गया इसराइल और अमेरिका दोनों को। अब हम देख रहे थे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं ईरान पे, रशिया पे और पाकिस्तान पे अमेरिकन फर्म्स की तरफ से कि इनको ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देनी, लेकिन इससे होगा क्या, इससे चीज़ें और ख़राब होंगी। तो ऐट द एंड ऑफ द डे हम तो इतना ही बोलेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर ये जंग ईरान तक आ गई तो ये वैसे ही पूरा एरिया इतना वोलेटाइल है कि एक तरफ अफगानिस्तान जो ऑलमोस्ट वहाँ पे समझ में नहीं आती हुकूमत है किसकी, तालिबान की है या आइसिस की है, क्या सीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर यहाँ पे क्योंकि अगर हमारे दरवाजे तक जंग आएगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को कूदना पड़ेगा, कुछ बड़ा होने वाले। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।